स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती विद्या मंदिर 12 कॉमर्स टुडे वी गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ मोस्ट रिसेंट सब्जेक्ट इन कंपैरिजन ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट. इकोनॉमिक्स इज सम ओल्ड बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर रिसेंट in terms of economics itself, because macroeconomics emerged with a book, a J.M. Keynes book, John Maynard Keynes book, which is published in 1936, The Theory of Employment, Interest and Money. Before this book, the economics were general economics, and that is microeconomics, but there were no idea or imagination. So what is macroeconomics? Macroeconomics, emergence of macroeconomics, there is a story behind the emergence of macroeconomics, and macroeconomics emerged because in 1929 there were a great depression in America. जैसे कि अभी कोरोना के हालात के चलते सभी अर्थशास्त्री, इवन IMF और वर्ल्ड बैंक भी ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि there were a huge depression in all over the world. That depression is more effective rather than First World War. उससे भी भयानक मंदी आने वाली है. और इसी तरह की कुछ मंदी, ऐसे ही कुछ भयानक मंदी जो है वो 1929 में अमेरिका में आया था. और अमेरिका में 1929 की अगर महान मंदी नहीं आती तो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद आज हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स भी नहीं होता. तो व्हाट आर रीजंस बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट वर गोइंग टू बी एक्सप्लेन हियर बाय माय सेल्फ. दैट इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज एज्यूम that output, as we know, that output or production is the only source of income, because without production anyone cannot generate income. Output is the only source of income, and it is assumed that output as any factor has the productivity in that same ratio. That factor also received income. O equal to Y. और ये भी माना जाता था कि जितना उत्पादन करेगा उतना ही वो आय प्राप्त करेगा और फिर उतना ही वो कंज्यूम करेगा. Now the next question is why it is assumed that output equal to income? Why? तो it is on the basis of BMPL theory by J.B. Clark. J.B. Clark एक economics थे और उन्होंने एक theory दिया. जब उनसे पूछा गया कि देर आर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, एंड हाउ ए प्रोड्यूसर गोइंग टू बी रेम्यूनरेट दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन जेबी क्लार्क गिवन अ थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, विच इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी जेबी क्लार्क स्टेट दैट एनी फैक्टर get remuneration or payment in any production activities just according to their productivity, and it can be explained through this table. Suppose we going to engage some labor units, here units of labor 1 2 3 4 5, a producer were going to engage labor units, and हम अगर ये मान लें कि ये लेबर हमने लगाए हैं कुर्सियों के उत्पादन के लिए, चेयर्स के प्रोडक्शन के लिए, तो मान लो कि एक लेबर लगा तो वो उसने एक लेबर 5 कुर्सी का उत्पादन किया. नेक्स्ट डे देयर वर 2 एडिशनल लेबर वर गोइंग टू बी ऐड, एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ चेयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज फ्रॉम 5 to 12. थर्ड लेबर 20, फोर्थ लेबर आया 24 कुर्सी बन गया, पांचवा लेबर आया 33 कुर्सी बन गया. दैट इज टोटल प्रोडक्शन. अब हमको मार्जिनल प्रोडक्शन जानना है, यानी प्रत्येक इंडिविजुअल, मार्जिनल का मतलब होता है लास्ट सीमांत, जहां सीमा का अंत हो, लास्ट सेगमेंट. तो अगर इस 5 में मार्जिनल 5 है, 5 अगर हटा दे तो फोर्थ मार्जिनल है, फोर्थ अगर हटा दे तो थर्ड मार्जिनल है. द लास्ट यूनिट इज
मार्जिन, एवरी नेक्स्ट यूनिट गोइंग टू बी मार्जिनल यूनिट और लास्ट यूनिट। अब मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे तो पहला का 5 है, दूसरा के प्रोडक्शन के लिए दूसरा का जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें से पहले के प्रोडक्शन को घटा देंगे 7, तीसरा के प्रोडक्शन जाने के लिए 20 में से थर्ड के उससे पहले के प्रोडक्शन को घटा देंगे तो हमको आ जाएगा 8, 4 इस तरह से। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी प्रत्येक इंडिविजुअल लेबर का प्रोडक्शन हम जान गए उसकी कितनी प्रोडक्टिविटी है। नाउ हाउ वेज डिटरमाइन, कैसे उसके मजदूरी का निर्धारण हो। सपोज हमको मजदूरी का निर्धारण करना है तो उसके लिए है कि वेज का निर्धारण कैसे होगा, तो किसी भी लेबर का उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू मार्केट प्राइस, जो वस्तु या जो उत्पादन वो कर रहा है उसका बाजार में मूल्य क्या है और उसकी अपनी उत्पादकता क्या है। तो वेज इक्वल टू MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू मार्केट वैल्यू। अब वेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब अगर MPL किसी के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को जब हम उसके बाजार मूल्य से जो भी उसने उत्पादन किया उस उत्पादन को जब हम बाजार मूल्य से गुना कर देंगे तो हमको उसके मार्जिनल उसके उत्पादन का मूल्य मिल जाएगा और जो उसके उत्पादन का मूल्य होगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वही उसका क्या होगा, वेज होगा, वही उसकी मजदूरी होगी, ना तो उससे एक पैसा ज्यादा ना उससे एक पैसा कम। नाउ सपोज हमको चौथे लेबर का मजदूरी निर्धारित करना है, वी हैव टू बी डिटरमाइन द वेज ऑफ फोर्थ लेबर। इन दैट सिचुएशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेज ऑफ फोर्थ लेबर इन दैट वे, MPL मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फोर्थ लेबर इनटू मार्केट वैल्यू। सपोज फोर्थ लेबर का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना है, 4, उसने 4 कुर्सी बनाया है तो 4 इनटू, मान लीजिए एक कुर्सी बाजार में 10 रुपए बिक रहा है तो 4 × 10 इक्वल टू 40 रुपीज, यानी इस चौथे लेबर की मजदूरी 40 रुपए हुई, इससे न ज्यादा न इससे कम। Before macro economics, the whole economy in this whole world were run on the basis O equal to Y equal to C. लोगों को ये पता होता था कि मान लो कि अगर कोई फैक्ट्री है 50 रुपए का बिस्किट बनाया तो 50 रुपए इनकम जनरेट हुआ और ये भी माना जाता था कि वो जाकर के 50 रुपए फिर खर्च भी कर देंगे और 50 बिस्किट बिक जाएगा। इसका मतलब कल फिर फैक्ट्री का दरवाजा खुलेगा और फिर उत्पादन होगा एंड तब, या जैसा कि हम जानते हैं कि माँ खाना बनाती है दिन में भी और रात में भी फिर हम सभी के लिए, लेकिन माँ बेरोजगार कब होगी, माँ बेरोजगार तब होगी जब दिन का खाना रात के लिए रह जाएगा। हालांकि जारा में हम लोग ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन माँ बेरोजगार तब होगी जब दिन का खाना रात के लिए रह जाएगा तो रात में वो बेरोजगार होगी। अगर दिन का खाना दिन में खत्म हो जाए तो फिर रात में फिर से रोजगार लगना ही है। तो किसी को कोई इमेजिनेशन नहीं था, वो सभी यही मानते थे कि O इक्वल टू Y इक्वल टू C, जितना उत्पादन होता है उतना आय जनित होता है और उतना ही फिर खर्च हो जाता है और डेली का डेली फैक्ट्री खुलता है और डेली का डेली लोगों को रोजगार है, यानी पूरा का पूरा इकोनॉमी क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट में है। O इक्वल टू Y इक्वल टू C, होल इकोनॉमी रन इन द फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, देयर वर नो प्रॉब्लम, ना एक्सेस प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है, ना एक्सेस सप्लाई का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, O इक्वल टू Y इक्वल टू C है। लेकिन ऐसी स्थिति और इस मान्यता के बावजूद 1929 में महान मंदी आ गई। उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने इस स्थिति और मंदी कैसे, तो लगभग 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली अमेरिका में, बेरोजगारी की दर 25% तक हो गई थी, सारे फैक्ट्री बंद हो गए थे और हालात बहुत खराब थे। ऐसी स्थिति में उस वक्त रूजवेल्ट ने इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनियार्ड केन्स को बुलाया और जॉन मेनियार्ड केन्स ने आकर के, जॉन मेनियार्ड केन्स के सामने यही सवाल था कि जब हमने इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं O इक्वल टू Y इक्वल टू C, तो फिर अर्थव्यवस्था में ये मंदी क्यों। तो जॉन मेनियार्ड केन्स ने आकर के अर्थव्यवस्था का डीपली अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि O इक्वल टू Y तो ठीक है लेकिन Y इक्वल टू C नहीं हो रहा है। लोग 50 रुपए का अगर बिस्किट बना रहे हैं तो उनको 50 रुपया आय मिल रहा है लेकिन वो 30 रुपया का ही बिस्किट खरीद रहे हैं और 20 रुपया का बिस्किट नहीं बिक रहा है, वो 20 रुपया बचा ले रहे हैं, सेविंग कर ले रहे हैं, क्योंकि ये उनका नेचुरल
उनका व्यवहार है, इट्स अ नेचुरल बिहेवियर ऑफ ए ह्यूमन पर्सन, क्योंकि इस पूरे दुनिया में मानव ही एक जीव है जो आज से ज्यादा कल के बारे में सोचता है, और वही कल के बारे में उसका जो फ्यूचर थिंकिंग है उसी लिए उसने 20 रुपया बचा लिया। परिणाम ये होता है कि ये 20 रुपये का बिस्किट बचा रह गया, और अगर एक दिन में 50 बिस्किट कोई फैक्ट्री बनाता है तो 4 दिन के बाद 10 दिन के बाद इस फैक्ट्री के पास इन्वेंट्री हो गया 200 बिस्किट का, और फैक्ट्री के दरवाजे पर बोर्ड लटक गया कि 4 दिन का बिस्कुट होने के कारण फैक्ट्री 4 दिन के लिए बंद है। और यहां से जो बेरोजगारी शुरू हुई, इस 4 दिन इस फैक्ट्री के लोगों को काम नहीं मिलेगा, तो ये 4 दिन के फैक्ट्री का काम जो नहीं मिलेगा, ये लोग जहां मांगते थे सामान वहां इनका डिमांड कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ इस यहाँ पर जो उत्पादन में लगे हुए थे उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। यानी ये ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी शांत तालाब में एक पत्थर हम फेंकते हैं और तब जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वो तब तक जारी रहता है जब तक वो किनारे को टच नहीं कर ले। यानी एट अ पॉइंट से शुरू हुआ बेरोजगारी धीरे धीरे पूरे अर्थव्यवस्था को अपने जाल में ले लिया, दैट वाज कॉल्ड मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट कहता है जो एक बार बेरोजगारी शुरू हुई पूरे अर्थव्यवस्था को अपने चपेट में ले ली और इस कारण से बेरोजगारी आ गया। और इसका कारण ये था, केन्स ने कहा कि ये 20 रुपया वो क्यों नहीं खर्च करते, तो केन्स ने कहा कि ये 20 रुपया वो कभी खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 मोटिव से बचाएंगे। कोई भी लोग बचत 3 मोटिव से करते हैं, ट्रांजेक्शन मोटिव, एवरी पर्सन हैव टू परफॉर्म डे टू डे ड्यूटीज, सो दे हैव टू बी कीप सम। तो उन्होंने कहा कि पहला मोटिव जो होता है वो ट्रांजेक्शन मोटिव होता है, एवरी पर्सन हैव टू परफॉर्म डे टू डे ड्यूटीज एंड टास्क, एंड फॉर दिस दे विड्रॉल सम मॉनेटरी इनकम फ्रॉम देयर इनकम, एंड दैट्स अ ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए वो बचा लेते हैं। दूसरा उन्होंने कहा प्रिकॉशनरी मोटिव, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, कल को हम मर जाए, कुछ हो जाए, हमारे घर में जो बाकी काम है, बेटियों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, वो कैसे होगा, बूढ़े माँ बाप का इलाज, तो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए वो कुछ पैसा अपने आय में से रख लेते हैं, फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, दूरदर्शिता का उद्देश्य। इसके लिए भी केन्स ने कहा कि पीपल्स विड्रॉल सम मॉनेटरी इनकम फ्रॉम देयर इनकम, प्रिकॉशनरी मोटिव। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ह्यूमन बींग्स एज वी नो दैट बाय नेचर ह्यूमन बींग्स आर लस्टिव, मानव जो होते हैं व्यवहार से ही और प्रकृति से ही लालची होते हैं, एंड दे ऑलवेज विलिंग टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, सो दे इन्वेस्ट देयर मनी इन बॉन्ड, शेयर, लैंड एंड रियल एस्टेट ETC, एंड फॉर दिस दे ऑल्सो विड्रॉल सम मॉनेटरी इनकम फ्रॉम देयर इनकम। और इस स्पेकुलेटिव यानी सट्टा के उद्देश्य के लिए भी वो कुछ है वो पैसा अपने मॉनेटरी इनकम में से रख लेते हैं, और यही 3 उद्देश्य से वो कितना पैसा रख लेते हैं, 20 रुपया रख लेते हैं, और वो रखते ही रहेंगे, चाहे सरकार इसके लिए जितना भी इन्फोर्स कर ले वो रखेंगे ही, और इसलिए बाजार में हमेशा इस 20 के बराबर गैप उत्पन्न हो जाएगा, और यही गैप जो है अनसोल्ड कमोडिटी वो इन्वेंट्री स्टॉक बना देगा जो कालांतर में मंदी ला देगा। और इसीलिए उस टाइम जेम केन्स ने कहा था कि इस समय, तो रूजवेल्ट ने पूछा कि इसका उपाय क्या है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो इंडिविजुअल इकोनॉमी चलता था, गवर्नमेंट जस्ट प्लेज अ पुलिस रोल ऑफ पुलिस स्टेट, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन टू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सरकार केवल देख रेख करती थी और देश को बाहरी आक्रमण से बचाती थी, सरकार का आर्थिक क्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था, वो पुलिस स्टेट के जैसा काम करती थी, ये माना जाता था कि इकोनॉमी ऑलवेज रिमेन इन फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, इन सब को छोड़ते हुए गवर्नमेंट हैव टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इस 20 रुपये का जो गैप है इसको केन्स ने कहा कि इसको कौन पूरा करेगा, तो इसको केन्स ने कहा कि इसको सरकार पूरा करेगी, जब साइकिल में हवा कम होता है तो हम ऊपर से हवा देते हैं, और इसीलिए सर जेम केन्स ने कहा कि इट्स अ पंपिंग थ्योरी, और सरकार को ये 20 बिस्किट खरीद लेना चाहिए। सरकार ने कहा कि अब मैं खरीद के क्या करूंगा, तो केन्स ने कहा कि आप गरीब बच्चों में बंटवाइए,
कहने का अर्थ है कि ये 20 जो इनकम है, जो प्रोडक्ट अनसोल्ड है, इसका केंस ने कहा कि उस छड़ को, सीमेंट को, उस सामान को आप खरीदिए, सड़क बनवाइए, पुल बनवाइए, स्कूल बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, और ये अगर और तब जाकर के ओ इक्वल टू वाई इक्वल टू सी का बैलेंस बनेगा और इकोनॉमी मंदी से, ग्रेट डिप्रेशन से प्रिवेंट रहेगी। और तभी से, और उसी आधार पर उन्होंने 1936 में जेम केन्स ने अपनी पुस्तक लिखी द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड इनकम, और इसी पुस्तक के बाद से मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक सिद्धांतों का एग्रीगेटिवली उसका इम्पोजिशन और उसके इफेक्ट्स को जानना, और सरकार का गवर्नमेंट नाउ आफ्टर 1929 गवर्नमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उससे पहले केवल दो ही सेक्टर होते थे, प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। और इसके बाद 1929 के बाद एक और सेक्टर जुड़ गया, वो है गवर्नमेंट सेक्टर। एंड नाउ गवर्नमेंट सेक्टर के आने के बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आर्थिक सिद्धांतों का समग्र रूप में प्रभाव देखते हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उनके क्रियाओं और प्रभावों को विश्लेषण करते हैं, और उनके अन्य थ्योरीज को हम लोग एग्रीगेटिवली फोकस करते हैं। तो ये था कि व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्जेंस। इसमें अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर हम लोग आगे देखेंगे।